मोहन जोदार, किसी जमाने में ये भी एक भरपूर शहर था जहाँ पे खुशियाँ थी, रंगीनियाँ। मुझे अपनी क्लास में ना तो ये गैर संजीदा रवैया पसंद है और ना ही इस तरह की फजूल हरकतें पसंद है। समीना, क्लास के बाद आप मुझे बाहर मिलें। उफ तौबा, ये तो ये कॉपियां हैं कि बस। तुम घर पर ही थी ना? जी खाला, और क्या? वैसे थोड़ी देर के लिए कॉलेज गई थी मैं। आपकी कॉपियां जान नहीं छोड़ती, मेरी किताबें जान नहीं छोड़ती। देखो ये बताओ कि ये पढ़ाई कैसी जा रही तुम्हारी? अंग्रेजी में सही नंबर लेने इस दफा तुम्हें। कहो तो मैं वो लगवा दूँ ट्यूशन तुम्हें। देखते हैं खाला। मासी जी, गेट की तरफ झाड़ू लगानी है। बाजी वहीं जा रही है। बाजी, सामने वाले घर में ना नए किराएदार आए हैं, अच्छे लोग मालूम होते हैं। सामने वाले घर, अच्छा। इसको देखें जरा खाला, कैसे सारे मोहल्ले की खबरें रखती है। अच्छा मासी, वो सामने वाला मकान भी तो खाली था, उसका क्या हुआ? अरे बेबी तौबा करो तौबा, मेरे पास कोई इतना फालतू वक्त नहीं कि गैरों के घरों में झांकती फिरूं। वैसे ताक झांक की बात अलग है, पर मेल जोल में तो कोई हर्ज नहीं ना। पानी में रहकर मछलियों से दोस्ती करनी पड़ती है ना, पर तुम्हें क्या, तुम लोग तो घर से बाहर निकलो ही ना। ऐसा करते कि तू स्कूल जाया कर, पढ़ा दिया कर, खाने पका दिया कर, इतवार बाजार चली जाया कर, मैं तुझे सारे मोहल्ले की खबरें ला के दे दिया कर, ठीक है? अरे बाजी, तुम तो छोटी सी बात पे ना नाराज हो जाती हो। खाला, आज सायमा की बहन की मेहंदी है, हम जाएंगे ना? मैंने तो अपना वो हरा वाला सूट भी सी लिया। छोड़ो, क्या करोगी, इंसान को भी काम करना चाहिए जिंदगी। जी देखो, मेरा मतलब है कि ये सब तमाशे होते हैं। तमाशे? तमाशे से मुराद ये शादी वादी। मेरा मतलब है कि पढ़ लिख कर झक पाड़ने की क्या जरूरत है, अच्छा खासा इंसान कार्टून बन जाता है शादी के बाद। मुझे तो बहुत कोफ्त होती, इससे बेहतर कि इंसान घर पे रहे और कोई अच्छी सी किताब जो है वो पढ़े। यानी कि ये शादी भी गई, ना हम कहीं जाते हैं ना कोई हमारे यहाँ आता है। लगता है बारिश हो गई। राहिला, राहिला सो गई क्या? उसी वक्त कपड़े उठा के अंदर रख लेते तो भीगना तो नहीं पड़ता। क्या हुआ खाला? देखो सर, ये बेवक्त की मुसीबत, अब सुबह को देखना कीचड़ ही कीचड़ होगा, चलना फिरना दूभर हो जाएगा, अजाब बन जाएगा। बारिश हो रही है खाला, आप पर तो मौसम का भी असर नहीं होगा। अभी तो बारिश हुई भी नहीं और आपको भी से शिकायतें होंगी। मेरा दिल चाहता है सारी रात ऐसे ही बारिश होती रहे और मैं ऐसे ही भीगती रहूं। यूं ही खड़ी भीगती रही तो एक नया मसला खड़ा हो जाएगा, सुबह को बीमार हो जाओगी। हाँ खाला, वो सुबह से मुझे याद आया, वो अर्जुमंद आपा के बहनों ही आए थे, वो कह रहे थे कोई शौकत साहब है वो कराची आ रहे हैं और वो यही ठहरेंगे। शौकत? अच्छा अच्छा शौकत। कौन शौकत खाला? ये अपना शौकत।
इतना शौकत कौन खाला? जब आएगा तो देख लेना। अब इतनी अहम बात तो मुझे इतनी रात को बता रही, सुबह को बताती। कोई इंतजाम करती, उसका कमरा वगैरह ठीक करना होगा। खुद तो भीग के बैठ गई है। खैर अब जल्दी उठ जाना सुबह। कौन? जी मैं हूं शौकत। अरे अबा अब तो मुझे ऐसे देख रही है जैसे पहचानती ही नहीं। पहचानती ना तो मैं तुम्हें अंदर कैसे आने देती? तुम्हें याद है जब तुम 2 साल के थे तो कैसे मैं तुम्हें उछाला करती थी? खैर तो माशाल्लाह से तुम खूब बड़े हो गए। अगर आपको मेरे बड़े होने का इतना ही दुख हुआ है तो मैं फिर से छोटा हो जाऊं? तुम्हारी शरारतों की आदत अभी तक गई नहीं है ना। हाँ बैठो। अच्छा ये बताओ कि ये इतने सालों के बाद कैसे रास्ता भूल पड़े? कैसे नहीं भूलता, आपकी याद जो सता रही थी। झूठे कहेंगे। सच कह रहा हूँ अलियापा, आप भी कोई भूलने वाली चीज है। शरीर। अच्छा मैं चाय का बंदोबस्त करके तुम बैठो। खाला आप बैठे, मैं ले जाती हूँ। नहीं तुम खाना तैयार करो, चाय मैं ले जाती हूँ। और हाँ यहीं रहना। अलियापा वो कौन है? वो साधिया की बेटी है। 2 साल की थी ये जब तुम मेरे पास हुआ करती। साधिया तो खैर चल बसी, उसकी निशानी मेरे पास रहेगी। अब मैं नहीं संभालूंगी तो और कौन संभाले? खैर मैं तो सिर्फ नाम पूछना चाहता था। राहिल कुछ और पूछना? नहीं बेटी, लेकिन बड़ी सादतमंद लड़की मालूम होती है। लेकिन किस तरह सर झुकाए काम किए जा रही है। इसे छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। कैसे हो, कहाँ हो, ना कोई खैर ना खबर, जमाना हो गया। क्या अभी तक अकेले ही घूम रहे हो? अरे हमारे सर पर कौन है जो हमारी फिक्र करे। जब भूख लगी खा लिया, जब नींद आई सो गए। कौन है हमारा इस दुनिया में? छोड़ो बेकार की बातें शौकत, तुम समझते कि मैं तुम्हें जानती नहीं। तुम्हें खुद शौक है ये खाना बदोशों वाली जिंदगी गुजारने का। कितना अरसा हो गया है शौकत पाकिस्तान छोड़कर यहाँ भटकते हुए। हाँ ये भी सही है, दर दर की खाक छान कर अभी पिछले महीने ही तो वापस आया हूँ। और देखें फिर बेरोजगारी के मजे लूट रहा हूँ। आप बताइए कि आपने अपना इरादा बदला कि नहीं? मेरा कौन सा इरादा? भाई वही शादी ना करने का। देखिए शौकत बीती हुई बातों को याद मत करो, इसलिए कि मेरे पास माजी में कोई खुशगवार याद है नहीं। जिंदगी गुजारनी थी जैसे तैसे गुजार दी, बाकी है वो भी कटी जाएगी। मैं कहता हूँ अलियापा कि आपको अपने बुढ़ापे का अभी से इतना एहसास क्यों हो रहा है? मेरी आंखें तो अब भी आपको उसी हालत में देख रही हैं जैसे आप मेरे साथ पहले थी। यकीन करें कि आपकी आंखों में तारे भरे मालूम होते। मान लीजिए जो भी आपका साथी बनेगा ना बहुत खुशकिस्मत होगा। आप तो मजे से चुप हैं, यानी कि मुझे कुछ खिलाने पिलाने का इरादा नहीं है आप लोगों का। और वो राहिला वो तो मेरी तरफ से ऐसी बेखबर है जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। अच्छा ज्यादा डायलॉग बाजी मत कर, खाना तैयार है तो मैं खाना भी खाना है और उसके बाद कुछ आराम भी कर लेना। राहिला जी चूल्हे पे से पानी उतार दो, नाश्ता लगा हुआ है मेज पे।
वैसे आप एक दिन में अंदाजन कितने लफ्ज बोल लेती हैं? अरे इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? अरे भाई मैं इंसान हूं, कोई जिनबूत तो नहीं कि आपको हड़प कर जाऊंगा। वैसे इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ये सब आलिया आपा की ट्रेनिंग मालूम होती है। वो तो है ही मर्दों के दुश्मन, लगता है उन्हीं का साया पड़ गया तुम पर। लेकिन मैंने भी आलिया आपा को बदल कर ना दिखाया ना, तो मेरा नाम बदल देना। खाला नाश्ता तैयार है। खाला ये शौकत साहब आएंगे दोपहर के खाने पर? पता नहीं, मैं अभी पूछ लेती हूँ क्या प्रोग्राम है इसका। खाला एक बात और भी पूछनी थी, ये कब तक रहेंगे यहाँ? उसका अपना घर है, जब तक जी चाहे रहे। वाह, घर के खाने का भी अपना एक मजा होता है। वैसे आपस की बात है, मुझे भी बहुत अच्छे खाने बनाने आते हैं। कभी आप लोगों को कढ़ाई गोश्त बनाकर खिलाऊंगा, यकीन करें उंगलियां चबा लेंगे आप लोग। वैसे शौकत मुझे अब जायकों का एहसास होता नहीं, सिर्फ पेट भरने के लिए खा लेती हूँ। अलियापा मेरी समझ में नहीं आता कि आप अच्छी वाली जिंदगी को सजा समझकर क्यों काट रही हैं। अरे बड़ी खूबसूरत है दुनिया, कभी हमारी नजरों से तो देखें। और एक ये है, शक्ल देख के लगता है जैसे अभी अभी कड़वी दवा का घूंट भरा हो। कुछ दिन यार आना तो एक एक को सही कर दूंगा। मुझे लगता है कि तुम जिंदगी में कभी संजीदा नहीं होगे, है ना? नहीं, कभी नहीं। अभी मैं चलता हूँ, मुझे इंटरव्यू पे जाना है, दुआ कीजिएगा। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज़। वैसे खाला घर में मेहमान आते रहने चाहिए ना, मगर हमारे तो कोई खास रिश्तेदार भी नहीं है। और हूँ भी तो क्या, हमारे रिश्तेदारों को तो बस नाराज होना आता है। लोगों की सुनने लगी तो बस गुजार ली जिंदगी तुमने। खाला मेरा मतलब था कि घर में कुछ रौनक तो रहनी चाहिए ना। देखो राहिला, ये बात नहीं है, अभी तुम्हें तजर्बा नहीं है, बड़ी हो जाओ सीख लोगी सब कुछ। खुद को महफूज करने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता, वरना काट खाएंगे तुम्हें लोग। अच्छा खाला, मैं आपका टिफिन ले आती हूँ, मासी भी पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। ये बताओ कि तुम करोगी क्या? घर पे रहना और दरवाजा ठीक से बंद करना, और अगर बिलफर्ज मासी आ भी जाए तो सफाई अपने सामने करवाना, कोनों में गर्द जमी भी हो कहती कि मैं रोजाना सफाई करती हूँ। ठीक है, दरवाजा ठीक से बंद करके रखना। शौकत तुम्हारे कोई कपड़े हो तो लाओ, मैं उन पे इस्त्री कर दूँ। ठीक है, देखता हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम तीन चार दिन से रोजाना जा रहे हो, कोई नतीजा वगैरह निकला या नहीं निकला? बस दुआ कीजिए, कहा है कि चंद दिन में पता चल जाएगा। अच्छा। और मैं सोच रहा हूँ कि इंतजार कर ही लूँ। वैसे आपको तो मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं हो रही ना? हो तो रही है,
अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। क्या गाना बना है? नहीं, गाना बना नहीं, बुरा गाना। अरे छोड़िए आली आपा, गाना बना, आपको देखकर जो गुनगुनाहट मुझ पर तारी हो जाती है ना, बस वही है अपना गाना। अच्छा बस यहाँ पे डायलॉग बाजी करने की जरूरत नहीं है, अभी जाके मुझे अपने कपड़े इस्त्री करने, नहीं तो लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी। खैर रोशनी का तो कोई मसला नहीं है, वो तो आपके चेहरे से भी काम चल सकते। तो इम्तिहान की तैयारियां हो रही हैं? जी। इम्तिहान की तैयारी तो हम भी कर रहे हैं। क्या मतलब? भई ये आलिया आपा किसी इम्तिहान से कम है क्या? अरे बीबी कहीं शाम को निकला विकला करें, इस उम्र में ये उदास शाम है। अच्छा एक बात बताएं, क्या आलिया आपा आपको कहीं भी जाने नहीं देती? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। हालांकि बात कुछ ऐसी है। नहीं नहीं, शायद आलिया आपा समझती हैं कि अगर आपको किसी ने देख लिया तो आपको अपना दोस्त बना लेगा। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, आलिया आपा टाइप, खैर इनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। नहीं आप बोलिए। फिर पता नहीं ये लोग चाहते हैं कि सब लोग इन्हीं की तरह रहते रहें सारी उम्र। क्या मतलब? मतलब ये कि देखो ना, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, नौजवान हो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है, लेकिन आलिया आपा क्यों तुम्हें तुम्हारी जिंदगी नहीं गुजारने देती? मैं तो अपनी ही जिंदगी जी रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी खबर है, यानी कि मुझे भी उस वाले कोने में जाकर अपनी जिंदगी गुजार देनी चाहिए। आप बैठिए ना। लेकिन आप बात भी तो करें ना। अच्छा पूछिए। ये मैगजीन आप पढ़ती हैं? जी पढ़ती तो हूँ। तन्हाई के मौसम, अच्छा एक बात बताएं, आपकी सबसे अच्छी दोस्त कौन सी है? आलिया आप? हाँ शायद। कभी मुस्तकबिल के बारे में सोचा आपने? आलिया आप के आलिया आपा ने तो कभी खुद भी अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा, तो आप क्या सोचेंगे? मैं आपका मुस्तकबिल जानना चाहता हूँ। सामने ही तो है, किताबें, कॉपियाँ, घर। कौन सा घर? घर तुमने चाय नहीं बनाई अभी तक?